Hello everyone, welcome back to all of you in day 5 Andaman vlog and I'm very sorry for this shaking video but इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि सामने सनराइज़ हो रहा है and we are very hurry to reach there। और ये है सिल्वर सैंड रिजॉर्ट, यहाँ पे हमारा लास्ट डे है और यहाँ का सनराइज़ काफ़ी सुंदर लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ एकदम स्ट्रेट हुआ। तो यही वो ब्रिज है जहाँ पे हम जब पहली बार आए थे तो एकदम खुशी खुशी एंजॉय करते हुए अंदर गए थे और अच्छा खासा बॉडी का कलर भी था। नाउ यू कैन सी कैसा हो गया है और बहुत थक जाते हैं हम, 4-5 दिन पूरा घूमते घूमते बहुत थक जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फेरी के लिए जो कि हमें हैवलॉक आइलैंड से लेकर के नील आइलैंड तक लेके जाएगी। तो जब हमने होटल में सनराइज़ देखा उसके बाद ही हम काफ़ी लेट हो गए थे तो तुरंत फटाफट रूम में जा करके पैकिंग वगैरह करके और जल्दी से हम थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके तुरंत निकले फेरी के लिए। और यहाँ पहुँचने से पहले आपको चेकिंग वगैरह करानी पड़ती है, थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपको जस्ट जो यहाँ का गेट होता है हैवलॉक का उसके अंदर ही आपको लेफ़्ट साइड में मिलता है वो एक सेंटर है जहाँ पे वो लोग करते हैं, सब लोग को पता चलता है, किसी से भी पूछने से पता चल जाएगा आपको। इवन वहाँ पे बोर्ड भी लगा है तो आप वहाँ जा करके चेक इन वाला प्रोसेस कर सकते हैं। अब तो हैवलॉक हमने पूरा देख लिया है, हमें एक एक चीज़ के बारे में पता चल गया है। तो हम यहाँ से देख रहे थे कि यहाँ पे भी कोरल्स कैसे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पे भी कलरफुल फिशेज़ हैं। वही जब हम यहाँ पे पहली बार आए हुए थे तो इन सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद हम आ कर के और अपने वेटिंग एरिया पे वेट कर रहे थे और हमारी फेरी काफ़ी लेट आई थी। यहाँ से हमने बुक किया था ग्रीन ओशन 2। तो मैंने किसी लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि ग्रीन ओशन 1 कम्प्लीटली बंद हो चुकी है जो कि ओपन हुआ करता था और ग्रीन ओशन 2 है ये क्लोज़ है। इसमें अच्छा खासा ओपन करने का जगह है, वो लोग अलाउ कर सकते हैं बट आई डोंट नो शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से उन लोगों ने बाहर ओपन वाला प्लेस बंद कर दिया है तो अलाउ नहीं है जाना। तो यहाँ पे हम काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे एंड हम देख रहे थे कि बहुत सारी फेरीज़ आ रही थी जा रही थी और हमारी फेरी बहुत लेट में आई थी। तो ओवरऑल मैं फेरीज़ की बात करूँ तो मुझे नॉटिका काफ़ी टाइम से लगी, बाद में रिव्यूज़ वगैरह भी मैंने चेक किया तो पता चला कि हाँ ये काफ़ी टाइम से आती है और बाकी जो भी फेरीज़ हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी फास्ट भी लेके जाती है। तो नॉटिका के लिए मैं भी कम्प्लीटली ओके बोलूँगी क्योंकि मैं मैक्रूज़ में आई हूँ, कम्प्लीटली क्लोज्ड में कुछ भी फील नहीं होता है, देन यू कैन गो विथ नॉटिका ऑल्सो। तो उसके बाद आ गई हमारी फेरी और हम उस फेरी में बैठ गए हैं, ये है ग्रीन ओशन। और उसके बाद अब हम यहाँ से निकले हैं नील आइलैंड के लिए। तो नील आइलैंड जाने के लिए हमें यहीं से सब कुछ नीला नीला देखना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो ग्लास है वो टिंटेड है और वो भी ब्लू टिंटेड है। मैक्रूज में भी जो ग्लास था वो टिंटेड ही था लेकिन ऐसे ब्लूइश कलर नहीं था, लेकिन इसमें तो है। फ़िलहाल के लिए नो मोर कंप्लेंट्स एंड एंजॉयिंग दिस व्यू। तो हैवलॉक से नील आइलैंड की दूरी भी करीबन 2 घंटे है और हमें जाने में लगा था करीबन 1.5 घंटे। जैसे अगर आप गवर्नमेंट फेरी चूज़ करेंगे तो वो आपको 2 से 2.5 घंटे तक में ले जाएगी। और गवर्नमेंट फेरी में ये है कि आप ओपन डेक होता है उसमें तो आप उसमें ऊपर भी जा सकते हैं, बाकी सारी फेरीज़ में क्लोज़ होता है। तो ग्रीन ओशन का एक्सपीरियंस मेरा कुछ खास नहीं था, यहाँ पे AC भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, फ़ैन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और बहुत गर्मी वाला दिन था तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस था अंदर और सब लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे थे। तो एक लॉन्ग जर्नी के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पे नील आइलैंड पे और नील आइलैंड से बाहर निकलते ही सब कुछ सच में एकदम आपको नीला नीला ही दिखेगा। वहाँ जाने के बाद अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता है कि इतना नीला पानी कैसे हो सकता है। यहाँ का पोर्ट काफ़ी छोटा है तो वहाँ पे अगर एक फेरी खड़ी है तो दूसरी फेरी दूसरे साइड जाती है और तीसरी फेरी अगर आ गई तो उसको वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें भी करीबन 10 मिनट वेट करना पड़ा था बीच में ही। और यहाँ से बाहर निकलते ही आपकी आँखें खुली रह जाएंगी, इतना सुंदर पानी। फिर उसके बाद यहाँ से हम बाहर गए, कैब किए और उसके बाद हम पहुँचे अपने रिजॉर्ट। तो यहाँ पे हमने बुक किया था सी शेल रिजॉर्ट, और हैवलॉक का भी सी शेल मैंने आपको दिखाया था। यहाँ का भी रिजॉर्ट ये वाला अच्छा है, इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा है, बट वहाँ का रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है हैवलॉक का सी शेल, और उसमें पूल वगैरह मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सुंदर भी है। तो बस रूम में जाते ही सामान वगैरह रखे, हम लोग तुरंत फ्रेशअप होकर के हम निकले नेचुरल ब्रिज देखने के लिए, क्योंकि नील आइलैंड में कभी भी एक दिन से ज़्यादा स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप रिलैक्सेशन के लिए एक और एक्स्ट्रा दिन रख सकते हैं, जो कि मैंने फ़ील किया इस बात को। तो हम तुरंत आए और फटाफट यहाँ पे स्कूटी हायर किया हमने, और यहाँ से हम निकल पड़े अपने नेचुरल ब्रिज के लिए। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क बहुत कम मिलेगा, कभी कभी किसी किसी एरिया में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और कहीं कहीं थोड़ा नेटवर्क आ जाएगा, तो पेमेंट वगैरह में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आप जाते हैं तो अपने साथ यहाँ पे आप कैश ज़रूर थोड़े बहुत कैरी करके रखें, ताकि आपको पेमेंट के लिए वेट ना करना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो नील आइलैंड उतरते ही मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि यहाँ के रोड वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हैवलॉक आइलैंड तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, बट नील में आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जो रिजॉर्ट है आपको वहीं पे सब कुछ मिलेगा, कोई भी बाहर होटल्स, खाने के लिए कोई भी जगह, चीज़ें कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका होटल ही आपके लिए सब कुछ होगा, आपका जो रिजॉर्ट होगा। तो कोशिश करें कि नील में जो भी आप रिजॉर्ट्स बुक करें वो थोड़े से अच्छे रिजॉर्ट्स हो, ताकि आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो अभी हम पहुँचेंगे नेचुरल ब्रिज, और नेचुरल ब्रिज का अलग से मैं वीडियो डालूँगी, बिकॉज़ वहाँ की डिटेल्स कुछ अलग होंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।